जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर नहीं हैं, वो सरकारी बंगले खाली करें, वो खाली सरकारी बंगलों का इस्तेमाल करें, ये टैक्स पेयर का पैसा है। जब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इनको बार बार 2018 का नोटिस इशू किए हैं कि जो सरकारी बंगले खाली करें, तो जो सरकारी बंगले खाली क्यों नहीं करें। दूसरी तरफ जनता का, अगर आम लोगों का, आम आदमी का 500 रुपये भी बिजली का बिल पेंडिंग हो, तो जो सरकारी विभाग, जो बिजली विभाग जाके उनके कनेक्शन काट रहे हैं, इनके लाखों रुपए बिजली के बिल बकाया हैं, लाखों रुपए पानी के बकाया बिल बाकी बकाया हैं, तो इनके कनेक्शन क्यों नहीं काटे जा रहे। क्यों भारतीय जनता पार्टी देश को अपनी निजी संपत्ति समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं है, वो सरकारी बंगले क्यों ऑक्यूपाई किए। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी का जो आज प्रोटेस्ट है कि जो सरकारी बंगले खाली करो, जो लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है, किस तरीके से दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आज का पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, अगर इनको अभी भी इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी तो हम अनशन पे बैठेंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो अनशन पे बैठेगी और इनके सरकारी बंगले खाली करवा कर रहेगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जनता का पैसा जो है वो सरकारी बंगले ये मल के बैठे हुए जितने भी MLA, जब असेंबली भंग हो चुकी है, जब इनको नोटिस चले गए हैं, तो फिर आखिर क्यों खाली नहीं किए जा रहे। यहाँ से पता चलता है कि भाजपा के दबाव में LG है।